लैट मी टैल यू अ स्टोरी। अज की जी मैं वीडियो पब्लिश कर लगा ये मेरी 100th वीडियो आ। तो इस वीडियो मैं तुम्हें अपने जिन्हें भी एक्सपीरियंस होया मेरे वधिया जां नहीं भी वधिया सीगे वो सारे तुहाने शेयर करूँगा। ऐ मैं दसूँगा भी की सीखिया मैं 100 वीडियोज़ क्रिएट करके। सो ये स्टोरी है जी 27 दिसंबर 2017 की जो मैं अपनी पहली वीडियो पब्लिश की यूट्यूब पर। एक स्टेबल शॉट से मैं नवा फोन बाय किया मोटरोला का। तो मैं शॉट अपना मेरे दोस्त वॉक करके आ रहा है तो मैं शॉट लिया तो मैं उन्हें पब्लिश करता वीडियो से। तो इस तो एक दो चीज़ा क्लीयर हुई जो मैं वीडियो पब्लिश करती ना पहला तो मेरा डर निकल गया कि लोग की सोचेंगे क्योंकि वीडियो किसी ने देखी हुई नहीं। दो व्यू आए 15-20 दिन मतलब वीडियो से व्यू नहीं आए। तो इस तो मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया वीडियो पब्लिश करना पी यार जो मैं वीडियो पब्लिश करूँगा तो मैं लोग क्रिटिसाइज करेंगे किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया तो वीडियो किसी ने देखी भी नहीं। सो मेरी पहली लर्निंग उतों स्टार्ट हो गई सी। तो हूँ गल करते जो मैं वीडियो पब्लिश कर ली तो हूँ मैं सोचा यार भी हूँ किदा मैं वीडियोज़ बनानी शुरू करा। तो उन्होंने दिनों भी मैंने एक सैकल बाय किया फिर मैं स्टार्ट की वीडियोज़ साइकिलिंग बनानी है। तो जी मेरिया जिस देखो पिछले आके तो मेरी पहलिया मेरे तो 15-20 जी वीडियोज़ ने साइकिलिंग ही ने क्योंकि मेरे कोई होर टॉपिक हों नहीं तो मैं साइकिलिंग वीडियो बनानी शुरू करती हाँ। तो मैं लगता मैं आलमोस्ट जो 15-20 वीडियो बना लिया तो मैं थोड़ा थोड़ा मैंने ना बोर होने लग गया। मैं कह यार भाई वीडियो मेरिया बनता रही लेकिन व्यू नहीं आ रहे ना ही यदा कोई स्पैशल नीश हैगा है ना। एंड बट मैं इन्ना पता भी जो साइकिलिंग वीडियोज़ क्रिएट की मैं एक जो वीडियो का 3 प्रोसैस होंगे पहला आप शूट करते हैं फिर आपको एडिट करते हैं फिर आप पब्लिश करते हैं। तो मैं तो 3 चीज़ा सीखियाँ। सब तो पहली चीज़ मेरे मन में बहुत क्वेश्चन थे भी की चीज़ किदा होंगी होगी एडिटिंग। मैंने जो बेसिक ऑफ एडिटिंग है ना वो बिल्कुल क्लीयर हो गया भी सिंपल कट्स कितने लगते हैं टाइटल्स किमें लगते हैं ट्रांजिशन कितने लगती हैं तो वीडियो सपोर्ट कितना करेगी है। दूजी चीज़ मेरा जो थोड़ा बोलने का फ्लो से वो थोड़ा क्लीयर होया। तो तीजी चीज़ जी मैं सीखी होगी हाउ टू टेक स्टेबल स्मूथ शॉट जिहड़े कि मैं लगता भी इन्ने ज़्यादा जरूरी ने यार जो तुम वीडियोज़ बना रहे हो जो थोड़ी वीडियो शेकी आ मतलब यार किसी का दिल ही नहीं करो देखने जो वीडियो शेकी हैगी। हालांकि जो तुम स्मूथ शॉट लेके कुछ भी वीडियो पब्लिश करते हैं ना एटलीस्ट लोगों का ध्यान बने रहता है क्योंकि लोगों ना फिल्म देखने की आदत पई हुई। तो तुम कदम फिल्म से नोटिस किया कदम भी वीडियो शेक हो रही है बिल्कुल स्मूथ वीडियो बनती हैं। तो इसलिए कोशिश करो भी जो तुम पहलियाँ वीडियोज़ बनाओगे ना अपनी ये 3 चीज़ा बिल्कुल क्लीयर कर लो बेसिक ऑफ एडिटिंग हाउ टू यू नो टॉक अ लिटल बिट थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट करो तो तीजी चीज़ हाउ टू टेक स्टेबल शॉट। तो ये मेरिया 3 कंसैप्ट बिल्कुल क्लीयर हो गए वो इनिया वीडियोज़ बना के। फिर यार साइकिलिंग तो बाद ना मैं कुछ होर तरीके का कंटेंट देखना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैवल कंटेंट देखना बहुत वधिया लगता सीगा तो मैं वीडियो देखता हूँ सैम कोल्डर दियाँ जे तुम्हें सैम कोल्डर बारे नहीं पता तो यूट्यूब सर्च कर सकते हो बहुत ही वधिया क्रिएटर आ सैम कोल्डर तो इंस्पायर होकर बहुत लोग वीडियो बनाते हैं ट्रैवल दियाँ तो बहुत वधिया काम करते हैं। एंड फिर मैं शुरू की ट्रैवल वीडियोज़ बनानियाँ क्योंकि मैं अपने मेरे कंपनी जितने मैं जॉब करता पाया पहला उनका कंपनी टूर से तो मैं उन्हें घूमन गया से उत्थे मैं अपनी फिर पहली वीडियोज़ उत्थे मैं अपनी पहली ट्रैवल की जी वीडियोज़ ने बनानी शुरू की। तो मेरी पहली सीरीज सी बीर बिलिंग मतलब शॉर्ट्स किदा जोड़ना आपस में शॉर्ट किदा लेने ने वाइड शॉर्ट किदा रखना तो इस नेड़े का शॉर्ट किदा लेना वो सारे शॉर्ट्स मैं उत्थे जो ट्रैवल किया किदा वधिया शॉर्ट लै सकते हैं। मैनू लगता कि जब पहला प्लैन करके जाइए ना भी इदा के शॉर्ट्स आपां नूं चाहिए आ तो अपने अपनी जी वीडियो ना थोड़ी बहुत वधिया रहिंदी है क्योंकि आपां नूं प्री प्लैन आप करके चीज़ें चलते हैं भी मैंने इदा का शॉर्ट चाहिए जां मैनू इदा का शॉर्ट चाहिए आ उहदे नाल फायदा बहुत ज़्यादा हो जाता। मैं पहले ही 2-4 लोग क्रिएटर की वीडियो देखी गया से तो मैं ख्याल से मैं इन्हों मिमिक करूँगा मिमिक इन सेंस कि तू सोच लिया भी इन्हों मैं कॉपी ही करना है। तो कॉपी करना की होंदा भी तुसीं जो चीज़ां उन्हें क्रिएटर ने की होंदी जे एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी करते हो तो एक लर्निंग करो तुहाडी वधिया बनती है रहदे दिन तुसीं सोचियो कि कुछ नवा सोचना मैं उहदा नवा सोचने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करो जो तुसीं नवी वीडियोज़ बना रहे हो ट्राई टू मिमिक टू लर्न न्यू थिंग्स जां फिर जे तुसीं लर्न जे तुसीं मिमिक नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम पता की आनी है भी तुसीं यार तुसी उस जी जाओगे तुसी कहोगे यार मैं नवा कुछ किदा क्रिएट करा क्योंकि नवा क्रिएट करना थोड़ा जिहा चैलेंज हुंदा है स्टार्टिंग विच। इसलिए कोशिश करो स्टील करो मतलब एक बुक हैगी स्टील लाइक एन आर्टिस्ट उहदे विच ही चीज़ दसी है भी जो तुसी स्टार्टिंग कोई भी करियर का कर रहे हो तो स्टार्टिंग लोगों तो इंस्पायर होकर उदा का क्रिएटिव कंटेंट करना स्टार्ट करो इन टर्म्स ऑफ ये तुम्हें किदा हैल्प करूगा इन थोड़ी जी लर्निंग है ना वो इंप्रूव होगी। तो डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा हैल्प मिली जो मैं लोगों की वीडियोज़ देख के उदा का ही सेम कंटेंट बनाने की कोशिश की। एंड 2-4 चीज़ों उत्तर मैं काफ़ी ज़्यादा सीखिया भी सी जिमें टाइटल्स में किदा दिखाना आ फॉर एग्जाम्पल यार टाइटल्स है ना मैं हमेशा जो मैं कोई मूवी देखता ना मैं देखता ना भी मूवी के ट्रांजिशन किदा हो रही मूवी के टाइटल्स किदा आ रहे हैं। तो कोशिश करो सेम टू सेम
कॉपी पेस्ट कर लो यार टाइटल, फॉन्ट उन्होंने किदा यूज़ किए हुए आ, टैक्सट नू दो टैक्सट नू किदा रखे हुआ है, वो सारी चीज़ें तुसी मूवीज़ तो देख सकते हो। सब तो बैटर काम मूवीज़ तो ही बंदा सीखता है। तो नैक्सट टाइम तुहानू टाइटल दा आइडिया कोई नहीं आ रहा तो मूवीज़ दा कोई भी शॉर्ट देखो, टाइटल दो किदा लिया हुआ तो इंप्लीमेंट कर दो। तो यह जो ट्रैवल की वीडियोज़ मैं गल कर रहा था, जब मैं ट्रैवल की वीडियोज़ बनाइया तो उद्दे तो मैं इदा सीखा टाइटल्स किदा ऐड करने हैं एंड ट्रांजिशन किड़िया ट्रांजिशन होंगे जीडिया इफेक्टिव होंगे ने ट्रैवल वीडियोज़ लिए, तो किदा वॉइस ओवर देना है। एक मैं वीडियो बनाई सी फस्ट सी जिते मैं वॉइस ओवर दिता सी, वॉइस ओवर मेरे दो चार दोस्तों ने कहा यार भी वधिया वॉइस ओवर दिता हुआ है, सो मैं उतों वो चीज़ नवी सीखी। एंड ट्रैवल वीडियोज़ बनाने तो बाद फिर मैं देखा कि लोग जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कर रहे हैं वह भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मैं थोड़ा जहा ट्राई वह भी किया कि मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ तुहाडा शेयर करा। फिर मैं एक पिक्सल 4a मैं फोन बाय किया, फिर मैं रिव्यू बनाया सीगा लॉन्ग टर्म रिव्यू, तो वीडियो मेरी काफ़ी ज़्यादा चल गई सी, 7-8 हज़ार रिव्यू और मैं लगता हूँ 7000 व्यू है, तो मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि एवरेज मेरी जी वीडियो मैं पब्लिश करता ना वो व्यू 50-100 के बीच होंगे, लेकिन ये व्यू इन्ने ज़्यादा हो गए तो मैं लग गया भी मैं एक छोटा जहा मैं छोटी सक्सैस मिली है, तो मैं बहुत ज़्यादा इतों खुश है इस चीज़ तो। और इस तो बाद जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ करने तो बाद हूँ इदा होंगे भी जो आप वीडियोज़ क्रिएट कर लें आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, तो मैं सोचा भी इन चीज़ा सीखिया ने क्यों ना उन्हों एक ट्यूटोरियल के फॉर्म तुम्हारे शेयर किया जाए। तो फिर मैं वो किया, फिर मैं जिन्नी भी चीज़ें सीखिया सगियाँ मैं ट्यूटोरियल्स क्रिएट किए, हालांकि मैंने ट्यूटोरियल्स बनाने वधिया नहीं लगते हैं, लेकिन कदे कदे कुछ आप चीज़ा सीखिया होंगे जी अपना लगता वैल्यूएबल है, इस करके मैं वो वीडियोज़ बनाइया ट्यूटोरियल्स बनाए एंड पब्लिश किए। एंड ट्यूटोरियल्स बनाने भी मैं बहुत कुछ सीखा भी किदा अपना कैमरा जो आप रिकॉर्ड करते हैं ट्यूटोरियल, किदा अपना डैस्कटॉप की रिकॉर्डिंग करनी, किदा अपना जिहड़ा बी रोल आ उन्हूं किदा सैट करना है। तो ट्यूटोरियल्स बनाने दे जो बंदा बनाता ना ट्यूटोरियल उहदे बारे चलता भी किदा दे चैलेंजेस आते हैं, तो जो चैलेंजेस नूं सीख के वीडियो पब्लिश करता तो उन्हूं बहुत ज़्यादा वधिया उहदा एक्सपीरियंस हुंदा सीखण दा। रिव्यूज़ प्रोडक्ट दे रिव्यूज़ बनाने तो बाद मैं कुछ अपने फिजिकल फिटनेस वीडियोज़ बनाइया सगियाँ, मेरा वह एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, हालांकि मैं ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं है, बट फिर भी मैं जिन्या कि मैनू लगता भी जिदे आप अपनी कैलरीज बर्न कर सकते हैं उदा दीडियोज़ मैं पब्लिश की। लास्ट फाइनली मैं यार एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो तुम यूट्यूब वीडियोज़ बनाने बारे सोच रहे हो ना तो ज़्यादा सोचो ना, सिंपली वीडियोज़ बनाओ शूट करो तो पब्लिश कर दो। जो तुम लगता ना यार मेरी वीडियो देखिए कोई हसूगा तो लेट इट बी लाइक दिस यार, तुम नई वीडियो बनाऊंगे तो भी लोगों थोड़े से हसना ही है, सो कोशिश करो यार वीडियोज़ बनाओ पब्लिश करो जो थोड़े मन के इच्छा वीडियोज़ बनाने की। एंड जो तुम लगता नहीं किसी नहीं शेयर कर रहे एटलीस्ट यूट्यूब तो पाल दो, किसी शेयर ना करो, फेसबुक तो ना शेयर करो, वट्सएप तो ना शेयर करो जो तुम लगता कोई ना कोई मतलब बुरा बोलूगा ना। जो तुम वीडियो तुम लगता वधिया बनाई है एटलीस्ट 2-4 लोगों ने शेयर करो जेडे थोड़ा लगता थोड़ा एक सही फीडबैक दे सकते हैं। तो बस यार मैं आही कहना चाहता सी वीडियो अपने पॉइंट शेयर करना चाहता सी, जे तुसी तुहाडे मन दे विच छोटा जिहा भी आ कि यार मैं क्रिएटर बनना आ तो अज ही वीडियो पब्लिश करनी शुरू करो एंड डेफिनेटली जो तुसी वीडियो बनाओगे एडिट करोगे सीखोगे जो लर्निंग करवा ना जी चीज़ तुम उस करके सीखोगे वो तुम्हें वीडियोज़ देख के नहीं सीखने मिल सकती। कीप क्रिएटिंग एंड कीप पब्लिशिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब इफ यू वॉन्ट टू बी अ क्रिएटर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विच, बाय।